ऐसा मैट्रिक्स जिसकी आप पावर लें, एक पावर लें, उसका स्क्वायर लें। स्क्वायर मत करने का मतलब है कि आपने उसको ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने कल मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, तो ये देखें कि अगर आपने मैट्रिक्स का स्क्वायर लेना है तो इसका मतलब है कि आपने उसको ए जो स्क्वायर होगा वो दरअसल ए मल्टीप्लाई बाय ए होगा। आपने उसके अंदर एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करना, बल्कि आपने उस मैट्रिक्स को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। कोई इसका मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर उसको दोबारा आप पावर लेते जा देते हैं, स्क्वेयर करें, क्यूब करें, ए से मल्टीप्लाई करते जाएं। कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि वो वापस कुछ देर के बाद आप जब मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो वापस ए बन जाते हैं, लेकिन हर मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है कि जो के प्लस वन टाइम मल्टीप्लाई करे और फिर वापस वही इटसेल्फ बन जाए, तो उसे कहते हैं कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है और उसका पीरियड के होगा, ठीक है, उसका पीरियड के होगा। और ऐसा अडम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड वन होगा, क्योंकि वो के प्लस वन हो तो पीरियड के कहते हैं, तो ये आप टू को वन प्लस वन लिखेंगे तो ये पीरियड वन फिर होगा। यदि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए हो या उसका पीरियड वन हो तो उसको कहते हैं ये अडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है कि आप उसकी पावर लें, कोई पीएफ पावर पे जाके वो जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हर एंट्री जीरो आए और फिर पी होगा उसको हम कहते हैं कि ये उसका निलपोटेंसी इंडेक्स है। इसके बाद होता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप स्क्वेयर करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूंकि हमेशा स्क्वेयर होते हैं तो ये ए भी स्क्वेयर होगा। अगर ये 2 बाय 2 का है तो फिर आइडेंटिटी भी 2 बाय 2 की होगी, अगर ये 3 बाय 3 का है तो फिर आइडेंटिटी भी 3 बाय 3 की होगी। उसको हम कहते हैं कि ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इसके बाद कुछ तो आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का आप ट्रांसपोज दें तो ए आ जाए। फिर उसके बाद था स्क्यू सिमेट्रिक, ए का आप ट्रांसपोज दें और नेगेटिव ए आ जाए। फिर आपने पढ़ा होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें आपने करना होता है ए का आपने पहले बार लेना होता है, फिर इसका आप ट्रांसपोज देंगे और जवाब ए आ जाए। ये जो बार है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा कांजुगेट। कांजुगेट यानी ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, जरूरी है कि इसकी जो एंट्रीज है, जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स में आ जाए। हर नंबर 4 पे कौन सा मैट्रिक्स है? नंबर जो 4 है उस पे है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, INVOLUTARY इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वेयर करें तो आइडेंटिटी बन जाए। क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। सो वी प्रो कनेक्शन होता डिस्कनेक्ट कर उस वक्त आपको आनी बंद हो गई। इस सर नंबर जो 8 है वो होता है स्क्यू हर्मिशियन। ए का आप कांजुगेट लें फिर ट्रांसपोज लें तो नेगेटिव ए आ जाए। अच्छा ये मैं कह रहा था कि जो कांजुगेट है, जो बार है ना, बार मतलब अगर मेरे पास ए प्लस आयोटा बी इसके ऊपर बार लगाए तो ए माइनस आयोटा बी जो आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, ये वही बार है। इसका मतलब कि जो ये मैट्रिक्स है ना, ये ए हर्मिशियन के अंदर जो लिखा हुआ है इसके अंदर कोई ना कोई आयोटा इन्वॉल्व जरूर होगा। और ये भी याद रखेंगे कोई भी रियल नंबर है मतलब 3 है, इसका बार ले तो वो 3 ही रहे, बिकॉज में तो बेटा है ही नहीं, वो वैसे ही रहता है। तो इसको अगर अगर उसके अंदर
कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं है किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो फिर हर्मिशियन नहीं होगी, सिमेट्रिक की ही प्रॉपर्टी बन जाती है। देखिए ये आठ किस्म की टाइप्स है मैट्रिक्स की, आपको ये याद रखनी होगी। इनके नेम और इनकी प्रॉपर्टी, पीरियोडिक मैट्रिक्स है ए के प्लस वन, जो पहला वाला है ए के प्लस वन, ए आ जाए तो पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड वन हो जाए यानी ए स्क्वायर ए आ जाए तो उसे एडिपोटेंट कहते हैं। तीसरे नंबर पे है कि निर्पोटेंट मैट्रिक्स ए की पावर पी ले ले तो वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए तो निर्पोटेंट कहते हैं। नंबर फोर पे है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, उसका स्क्वायर ले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता चलता आया था 100 फॉर्म में होता है। नंबर पांच के बाद जो है ये तो आपने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज नहीं वापस ए बन जाए, स्क्यू में आप नेगेटिव कर देते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आएंगी, आपने पहले बाहर लेना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये आखिरी चार तो आपने पहले पढ़ी होंगी, जो पहली वाली चार है ना ये आपने आई थिंक पहले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, इनको आपने याद कर लेना है। तो इसमें पीरियोडिक है और अनइंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट पीरियोडिक की स्पेशल केस है, पीरियोडिक का होगा तो के पीरियड ए के प्लस वन ए कर दिया है, अडेपोडेंट में उसका पीरियड वन होना चाहिए, तो ए को जब बंद करेंगे तो वो ए से जगह ए बनेगा तो उसका स्पेशल केस बन जाएगा। बाकी रह गया इनपोटेंट, इसमें देखें ए की पावर पी इज इक्वल जीरो आ जाने और इन्वोल्यूटरी में आई आ जाने, इन्वोल्यूटरी से आई से स्टार्ट हो रहा है आई इन्वोल्यूटरी तो इक्वल टू उसने आई आना है, उसमें याद है दिलपटन में पी इस्तेमाल हो रहा है, जब पी का वर्ड है याद कर ले, इसमें पावर पी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म होती है। कोई ना कोई तरीका आप लगा लें याद रख लें कि आपको अडेपोडेंट का वर्ड, अब पेपर में जब क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट दिस इज एन इंपोर्टेंट मैट्रिक्स, तो आगे ये प्रॉपर्टी वाली नहीं लिखी होगी कि आपने ये प्रूफ करना है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि एन इंपोर्टेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो ये चार हैं, ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। अच्छा अब ये मैथड की बुक में क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है ना सेवन, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा गया है कि प्रूफ करें कि ये पीरियोडिक है हैविंग टू, पीरियोडिक पहली वाली प्रॉपर्टी थी। ये क्वेश्चन नंबर सेवन है, मैट्रिक्स हमें ए दिया गया है, वन माइनस टू माइनस सिक्स, वन माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस थ्री टू और नाइन, टू जीरो माइनस थ्री। अच्छा इसको हमें प्रूफ करना है कि इसका पीरियड टू है, याद रखें पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है ए उसकी पावर में के प्लस वन तो बराबर ए आ जाए तो इसका पीरियड के होता है। हमने प्रूफ करना है कि जो ये मैट्रिक्स ए है इसका पीरियड टू है, तो मतलब के टू होगा, जब के टू होगा तो आपने क्या करना है, ए की पावर क्या बन जाएगी, ए की पावर बनेगी थ्री, तो आपने इसकी तीन तक पावर ले, पावर लेने का मतलब क्या कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना, फिर अब क्या करेंगे हम ए, हम a टाइम्स a करेंगे, a स्क्वायर विच इज a मल्टीप्लाई बाय a विच इज 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 और 9 2 0 और माइनस 3, और इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ये लिखेंगे 1 माइनस टू माइनस सिक्स माइनस थ्री टू नाइन टू जीरो माइनस थ्री, ये हमने मल्टीप्लाई की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो हमने कल तरीका पढ़ा था मल्टीप्लाई करने का, अब क्या करेंगे पहली वाली जो है वो रो लेंगे और इधर से पहला कॉलम लेंगे, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, फिर माइनस टू को माइनस सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के सिक्स आ जाएगा, फिर ये माइनस सिक्स जो होगा ये इससे मल्टीप्लाई करोगे होगा तो ये माइनस के ट्वेल्व आ जाएगा। फिर आप सेकेंड रो यूज़ कीजिए माइनस थ्री माइनस टू, देखिए ये
सॉरी आपने भी करना है यही रूल लेकर सेकंड कॉलम स्टार्ट करना है। तो वन को दिए टू से माइनस टू से ये बनेगा माइनस टू, फिर आप माइनस टू टाइम्स टू करेंगे तो ये आएगी माइनस फोर, फिर माइनस सिक्स टाइम्स जीरो करेंगे तो देखिए मेरे पास जीरो आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो वन टाइम माइनस सिक्स करेंगे तो माइनस सिक्स आएगा, माइनस टू टाइम नाइन करेंगे तो ये माइनस के एटीन आ जाएगा, और माइनस सिक्स टाइम माइनस थ्री करेंगे तो प्लस के 18 आ जाएगा। अब यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है सेकेंड रो के साथ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए बनेगा माइनस थ्री, फिर माइनस सिक्स और फिर बनेगा ये 18। अच्छा अब फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आ जाएगा, पहला आ जाएगा सिक्स, दूसरा बनेगा फोर और तीसरा आ जाएगा जीरो। अब सेकेंड और थर्ड कॉलम पहला आएगा 18, फिर आएगा दोबारा से 18 और फिर आएगा माइनस के 27। अब थर्ड रो लीजिए, टू वन जार टू आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा और माइनस के 6 आ जाएगा। फिर सेकेंड कॉलम लीजिए, ये माइनस के 4 आएगा, फिर जीरो आएगा और दोबारा जीरो आ जाएगा। लास्ट कॉलम लीजिए, ये माइनस 12 आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा और फिर ये 9 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या बनेगा मेरे पास, पहला देखिए 1 प्लस 6 7 और ये माइनस 12 तो ये बन गए माइनस के 5, माइनस 2 माइनस 4 तो ये बन गए माइनस के 6, ये 18 से 18 कट गया, बाकी रह गए फिर माइनस के 6। इधर आ जाइए, ये माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन प्लस 18 तो माइनस के 9, सॉरी प्लस के 9, 6 प्लस 4 ये बन गया 10, 18 प्लस 18 36 माइनस 27 तो प्लस के 9, ये 2 माइनस 6 तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे, ये माइनस 4 रह जाएगा और लास्ट होगा वो माइनस 3 क्योंकि ये ए स्केयर आ गया, ये मेरे पास ए स्केयर आ गया। तो जो मैट्रिक्स है उसको पीरियोडिक तब होना है जब वो वापस इटसेल्फ यानी ए ही बनेगा, तो अभी तक ये ए नहीं बना है क्योंकि ए स्क्वायर है वो ए से डिफरेंट आया, हम इसको एक दफा और ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब हमने क्या करना है, अब हम ए क्यूब लेंगे, अब हम ए क्यूब ले लेंगे विच मीन क्या होगा कि ए स्क्वायर टाइम्स ए होगा। तो पहले ए स्क्वायर लिख लें, ए स्क्वायर ये फाइंड कर चुके हैं, ये माइनस के 5 माइनस के 6 फिर माइनस के 6 9 10 9 ये माइनस के 4 माइनस के 4 और माइनस के 3। अब मल्टीप्लाई करें इसको ए के साथ, आएगा 1 माइनस 2 माइनस 6 ये माइनस 3 2 और 9 ये 2 0 और माइनस 3 आ गया। अब इसकी प्रोडक्ट करें उसी तरीके से तो ये बन गया मेरे पास ए क्यूब। हाँ जी, माइनस इसकी फर्स्ट रो ले और इसका फर्स्ट कॉलम ले तो ये पहले बनेगा माइनस 5। सर ये ए स्क्वायर में जहां 9 है वहां पे माइनस 27 नहीं आता, ए स्क्वायर में जहां पे 9 है सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है, थर्ड कॉलम में सेकंड रो, सेकंड कॉलम में कौन सा सर, सेकंड रो का लास्ट वाला, लास्ट वाला 9 जो ये आते हैं। अच्छा मैं चेक कर लेता हूं, हाँ हाँ ये दोनों 18, अच्छा ये भी प्लस था, ये प्लस था 36, हाँ 36 हो गया तो फिर सर 27 सबट्रैक्ट करें तो 9 ही आता, माइनस 9 सर। देखना यहाँ पे 18 प्लस 18 36 और माइनस 27 तो प्लस का 9 ही आएगा, 9 ही आएगा सर, प्लस का ही आएगा सर, ठीक हो गया 9 ही आ रहा है। अच्छा अभी ये अभी प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, ए बन गया तो इट मीन हमने ठीक काम किया।
अच्छा माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव आ गया, माइनस सिक्स और थ्री प्लस के 18 आ जाएंगे, और माइनस ये भी माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स टाइम्स टू करेंगे तो ये माइनस के 12 आएंगे। अच्छा उसके बाद सेकंड कॉलम आ जाइए, ये बन जाएगा 10, फिर आएगा माइनस 12 और फिर आएगा 0। थर्ड कॉलम आ जाइए, ये बनेगा 30 माइनस 6 9 माइनस 54 माइनस 54 फिर आएगा 18। अब ये सेकंड रो पे आ जाइए, ये बन गया 9 माइनस 30 और प्लस 18। उसके बाद सेकंड कॉलम आ जाइए, ये बनेगा माइनस के 80 प्लस 20 और 0। थर्ड कॉलम आ जाइए, ये बनेगा माइनस 96 और 54, फिर ये आएगा 90 और फिर आएगा ये माइनस के 27। लास्ट रो आ जाइए, ये बनेगा माइनस 4, ये बनेगा प्लस के 12 और ये बनेगा माइनस के 6। सेकंड कॉलम पे ये बनेगा 8 और ये बनेगा माइनस 8 और ये बन जाएगा 0। लास्ट कॉलम पे आ जाए, ये बनेगा 24, ये बनेगा 36 और यहाँ पे आएगा प्लस के 9। आप इसको जमा कर लीजिए। अच्छा माइनस के 12 माइनस के 5 फिफ्थ माइनस के 17 और प्लस का 18, देखिए ये मेरे पास 10 माइनस 12 तो देखिए ये माइनस का 2 आ गया। 30 प्लस 18 58 होता है, सॉरी 48 होता है, 48 प्लस के हैं तो ये माइनस 54 है, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। इधर आ जाए 9 प्लस 18 27 तो माइनस 30 तो देखिए माइनस का 3 है, माइनस 18 प्लस 20 तो ये 2 आ जाएगा। माइनस 54 है और माइनस 27 प्लस 19, ये आप देखें 54 और 27 8 हो गए, माइनस का 81 हो गए। और सर 9 आ गया, यस प्लस का 19 था तो 9 आ गया प्लस का। अच्छा ये 12 और माइनस का 10 तो ये 2 आ गया, ये 8 शेष कट गया, देखिए 0 बन गया। और लास्ट वाला जो है वो 24 प्लस 9 33 और माइनस 36 तो माइनस का 3। तो देखें ये अब आप मैच करें ए के साथ, देखें जो ए मैट्रिक्स है ये भी ए ही है, ये 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 2 0 एग्जैक्टली वही बन गया। तो देखिए कि अब हमने जब पावर 3 तक पहुंचे तो उसका तो इट इज इक्वल टू क्या आ गया, ये ए आ गया। अब मेरे पास क्या था, मैंने ऊपर क्या लिया था, ए क्यूब लिया था, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए आ गया, या आप कह लें कि ए 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए आ गया। और जो फार्मूला था वो क्या था कि ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए आए, उसे कहते हैं कि के पीरियड है। तो हमारे पास देखें इससे अगर मैच करें तो मेरे पास जो पीरियड जो k बन रहा है वो k कितना आ गया, 2 आ गया। सो a इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 2, तो ये हमने प्रूफ करना था।
देखिए ये आपको अगर डेफिनेशन आती है तो मल्टीप्लाई का अगर तो मुश्किल नहीं है तो आपको पहले ही आता हो, ऐसा प्रूव कर सकते हैं। जैसा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने प्रूव करना है कि वो निलपोटेंट है, नंबर जो 8 आ गया वो आपने कर लिया। निलपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ए जो है उसकी पावर में पी लिया जाए तो जीरो आ जाए, तो आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपने 8 बार करो, फिर आप ए स्क्वायर लेंगे उसका आंसर आएगा, फिर ए क्यूब लेंगे, ए फोर लेंगे, जहां पे उसने उसका आंसर जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी सारी एंट्री जीरो आ जाएगी, वहां आपने रोक देना है और जो उसकी पावर होगी वो उसका इंपोर्टेंस एक्स होगा। थर्ड रो में माइनस 3 की जगह 2 आता है, थर्ड रो में ये इसकी बात कर रहे हैं, थर्ड रो के साथ लास्ट में ये वाला जैसा 2 आता है, 2 आता है ये असल में ना, आप ये असल में 36 लिखा हुआ, ये 36 है। अब देखो 24 प्लस 9 33 और 33 माइनस 36 तो माइनस किया, वो लिखा थोड़ा सा ऐसे किया था, वो 31 था वो 36 था, और क्योंकि मैंने लिखा था मुझे पता था 36 था तो मैंने उस हिसाब से जमा किया था, आप उसे 31 लगाओ। ठीक है, जो मैट्रिक्स जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपने इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है, सर 8 वाला रिपीट कर दे, क्या कह रही है 8 वाला रिपीट कर दे, 8 वाला रिपीट कर दे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कहा गया है कि आपने प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट है, निलपोटेंट। निलपोटेंट प्रूव करना है, याद रखें कि ए की पावर पी आ जाए और ये बराबर जीरो मैट्रिक्स के आ जाए तो उसे कहते हैं कि ये निलपोटेंट है। पी क्या होता है, पी कोई पावर होगी ना, मतलब आपने पहले क्या करना है, आपने पहले स्क्वायर लेना है, उसको स्क्वायर कैसे लेंगे आप, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका मैट्रिक्स जवाब आएगा अगर वो जीरो मैट्रिक्स आ गया, मतलब सारे उसके एंट्रीज अगर जीरो आ गई तो फिर ये 2 आपका पी बन जाएगा। अगर सारे जीरो नहीं आती तो फिर आप क्या करेंगे, आप ए क्यूब लीजिए, यानी आप ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर चेक कीजिए इसका आंसर क्या है, अगर सारे एंट्रीज जीरो आ गई हैं तो फिर 3 आपका पी बन जाएगा, अगर नहीं सारे का जीरो आती हैं, एक भी नॉन जीरो आ गई तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ए 4 लेना पड़ेगा। ए फोर का अगर आपने ए क्यूब इंटू ए कर ले या आप ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर कर ले और उसका आंसर देखें, अगर उसकी सारी एंट्री जीरो आ जाती है फिर 4 आपका पी बन जाएगा, यानी आपने चेक करना है किस पावर पे आपका जो रिजल्टेड मैट्रिक्स है वो सारा का सारा जीरो बन जाए, उसकी सारी एंट्री जीरो बन जाए तो वो आपका पी वो होगा। आपने फाइंड करना है किस पावर पे जाकर ये जो क्वेश्चन 8 में मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कितनी पावर के बाद जाकर जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन 8, कर लेंगे आप लोग, मल्टीपर्पस करना है। यस सर, हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें इसने पूछा है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, प्रूफ करें कि ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो देखिए पहले हमने ये डिफाइन किया इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो एक नंबर 4 पे है इनवोल्यूटरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आना चाहिए, तो ए स्क्वायर आई अगर आ जाएगा यानी आपने इसमें प्रूफ करना है कि आपका जो मैट्रिक्स ए है उसका आपने स्क्वायर लेना है, यानी जस्ट आप उसकी पावर 2 लेंगी, ए टाइम्स ए करेंगी और उसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9 में मैट्रिक्स 3x3 का दिया हुआ तो उसकी जो आइडेंटिटी बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर आ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो वो मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी है। देखिए इसका जो स्टार्ट है ना आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे आप याद रखें कि इनवोल्यूटरी उसका आंसर जो है वो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ जी, आप लोग कर लेंगे 9th क्वेश्चन। यस सर।
अभी जो बीएससी का जो मैथमेटिक्स ही है ना, जो आप ने कहा था हमने ये बुक स्टार्ट करनी है, इसका जो लेवल है ना वो मैट्रिक्स का हाई लेवल है। वैसे जो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना वो उतने हाई लेवल के नहीं होते, मतलब उसमें सिर्फ हमने बेसिक जो ऑपरेशन है ना मैट्रिक्स के वो करने होते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। ये जो निलपोटेंसी है या ये इन्वॉलेटरी मैट्रिक्स हैं या पार्टीशन है या जो उसके जनरल प्रूफ्स होते हैं, वैसे लीनियर अलजेब्रा के अंदर इतने शामिल नहीं किए जाते, लेकिन बीएससी का मैथमेटिक्स में ये डिजाइन ऐसे किया गया है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आने जो वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होने हैं, लाइक इसके अंदर आपने प्रूफ करना होगा, ये प्रूफ करेगी ये रिजल्ट इसके बराबर है, और आपने जनरल मतलब मेथड लेकर उसको प्रूफ करना होगा। जिन्होंने जिनका मेजर मैथमेटिक्स होता है ना, जो डबल मैथ कर रहे होते हैं, जिन्होंने आगे मैथमेटिक्स में जाना होता है, वो बेसिकली उनके लिए होते हैं। आपका चूंकि लीनियर अलजेब्रा है, आपका बेसिक टॉपिक है मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना, तो वहाँ पे जो आप बुक्स होती है ना अलजेब्रा की, उसमें इतनी डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, लेकिन आपको इस बुक चूंकि फॉलो कर चुके हैं तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन सिक्स, हाँ क्वेश्चन जो सिक्स है, If a via y show that a squares minus 4a minus 5i, if a show that, वो आपने शो करना है, तो इतना मुश्किल नहीं था। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना, वो आपको a दिया हुआ है, आपने कर लेना है, वो तो मुश्किल नहीं, प्रोडक्ट करने में आपने i उसमें डेंटी मैट्रिक्स है, a दिया हुआ है, आपने a स्क्वायर लेना है माइनस फोर ए माइनस फाइव आई करना है, उसको आपने जो है इस गिवन मैट्रिक्स के बराबर साबित कर देना है, और फिर ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस सेवन ए माइनस थ्री वन सॉरी थ्री आई को लेकर आपने जीरो मैट्रिक्स के बराबर साबित करना है। वो मुश्किल नहीं है, वो आपने करना है, छठा शामिल है क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो है क्वेश्चन नाइन, अभी क्वेश्चन नाइन जो है, हाँ जी नाइन आपने करना है, घर में कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अच्छा मैं अब ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन 12 है, इसमें दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। इसमें दिया हुआ है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है कि ए, ये हमें दिया है कि ए इज सिमेट्रिक, जिसका मतलब बनता है कि ए का ट्रांसपोज देंगे तो जवाब ए आए। हमें ये भी गिवन है कि B is symmetric, इसका मतलब है कि आप B का ट्रांसपोज लेंगे तो जवाब B आएगा, ये हमें गिवन है। फिर वो कहता है कि आपने प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ A B यानी प्रोडक्ट है इज symmetric इफ एंड ओनली इफ ए बी ए एंड बी कम्यूट, ये हमें प्रूफ करने का आ गया। हमें गिवन है कि ए सिमेट्रिक है, उसके अंदर ये बात आ गई, हम इसको नंबर वन कह देते हैं, बी सिमेट्रिक है तो ये लिख सकते हैं, नंबर टू कह देते हैं, और ये जो रिजल्ट है अब ये प्रूफ करना है कि ए बी सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक कब होगा? ए बी सिमेट्रिक उस वक्त होगा जब ए बी का आप ट्रांसपोज देंगे तो जवाब क्या आएगा? ए बी आएगा। याद रखें सिमेट्रिक प्रूफ करने की, जिस मैट ए बी जो ना जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका वो सिमेट्रिक तभी होगा जब उसका ट्रांसपोज दें और वही चीज वापस रिटर्न हो जाए। वैसे इन जनरल ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेकिन ये जो है हमने जो प्रूफ करना है कि ए बी जो है जो मैट्रिक्स ए बी वो सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका जब ट्रांसपोज है तो ए बी आना चाहिए इफ एंड ओनली इफ को आप। तो देखें ये जो है If and only if को आप जो है
इस तरह डबल एरो से शो करते हैं, और ए बी आर कम्यूट का मतलब है कि ए बी जो होगा वो बराबर होगा बी ए के। याद रखें इन जनरल मैट्रिक्स में ए और बी का जवाब बी ए के बराबर नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बात हमें गिवन है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। हमने साबित करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए बी के बराबर आएगा, मतलब ए बी सिमेट्रिक है। और ये डबल एरो का मतलब है कि आपने पहले एक दफा आपने ये फर्स्ट थिंग लेकर जो आपके पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है इसको अज्यूम करना है ट्रू है, और ये वाला प्रूफ कर देना है, फिर आपने इसको लेना है कि ये अज्यूम करना है कि ये ट्रू है और आपने ये प्रूफ करना है। तो इफ एंड ओनली का होता है कि आपने डबल वे दोनों वे से प्रूफ करना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। इसका मतलब हुआ अगर ए बी सिमेट्रिक हम अज्यूम कर लिया है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर आएगा ए बी के, यानी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि ए इस ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास वापस वही आ जाए। तो अगर ए बी सिमेट्रिक है उसका ट्रांसपोज ए बी के बराबर आएगा। अच्छा, अब हम जानते हैं, हम ये लॉ हमने पढ़ा है सिंस कि जो ए बी का ट्रांसपोज होता है उसका जो फार्मूला है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है, लिहाजा ये जो इक्वालिटी है ये बन जाएगी मेरे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर है, और राइट हैंड साइड वैसे की वैसे रहेगी। अब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर देखिए ये वन, देखिए वन में और टू में ए टी ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, इन दोनों को इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब हुआ कि बी जो टी बनेगा, जो बी ट्रांसपोज होगा वो बी बन जाएगा, और जो ए ट्रांसपोज होगा वो ए बन जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैसे की वैसे आ जाएगी। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने जो हमें गिवन है वन और टू को यूज किया, और देखिए अब ये क्या बन गया है, अब ये लास्ट इक्वालिटी क्या साबित कर रही है कि जो ए बी है, ए बी है ये बराबर आ गया बी ए के, मीन्स क्या हो गया कि ए बी जो है वो कंप्यूट करते हैं ए एंड बी कंप्यूट। तो देखिए मैंने एक चीज अज्यूम की और मैं दूसरी तक पहुंच गया, मैंने अज्यूम किया कि ए बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और मैं यहां तक पहुंच गया कि ए बी बी ए के बराबर। अब मैंने कन्वर्सली इसको प्रूव कर, कन्वर्सली मैं प्रूव अज्यूम करूंगा, कन्वर्सली अज्यूम दैट कि जो ए बी है ए एंड बी कम्यूट, अगर वो कम्यूट करते हैं तो मैं लिख सकता हूं कि जो ए बी है ये बराबर है बी ए के, और फिर जो वन और टू में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए बी ट्रांसमिट्रिक मैट्रिक्स है और बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको यूज करते हुए मैं ए को लिख सकता हूं, आप लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी को वैसे रखिए, और जो राइट हैंड साइड का बी है इसको लिखिए कि ये बी ट्रांसपोज के बराबर है, और जो ए है इसको लिखिए कि ए ट्रांसपोज के बराबर है, और सर रेफर कर दिए कि ये हमने वन और टू से इस रिजल्ट को यूज किया। अब फिर देखिए लेफ्ट वाला वैसे का वैसे रहेगा, और जो राइट वाला है तो फिर आप रिजल्ट यूज कीजिए सिमेट्री मैट्रिक्स का, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बी के होल के ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास जो राइट हैंड साइड वाली इक्वालिटी है ये बन जाएगी ए बी का होल ट्रांसपोज, या आप इसको भी सोचते हैं कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो बराबर है ए बी के, और इसका मतलब बनता है कि ए बी के आगे इज सिमेट्रिक आ गया, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन बन गई कि आपने ए बी का ट्रांसपोज लिया वापस ए बी आ गया तो आपका ए बी सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। तो हमने दोनों वे से इसको प्रूफ कर दिया कि ये रिजल्ट ट्रू है, हेंस प्रूफ्ड। तो हमारा जो रिजल्ट है वो